एक बस के छूटने से जिंदगी नहीं छूट जाती, एक बस गई दूसरी आ जाएगी। तुम आज मंदिर में किने रुक जाते, सुबह चले जाना। पेट भरा? हाँ। तो चलो अब माता के दर्शन कर ले। पता है माता बच्चों को कभी ना नहीं गए। ये बात और है कि मुझे यहाँ आते हुए 10 साल हो गए, लेकिन मेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं, पर शायद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। जय श्री राम माता। जय श्री राम माता। माता से जो चाहे मांग लो। माता हमें शाहरुख खान से मिलवा दो। किससे? शाहरुख खान से। ये क्या मजाक है? मुझे भी मांगने में थोड़ी शर्म आती है। कुछ ढंग की चीज मांग बच्चा। 4 साल से सीधे भगवान से आके मांग रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब दूसरा रास्ता निकाल रहा हूँ। इधर आ। तुम्हें पता है शाहरुख खान और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। सीरा माता बनने से पहले मैं एक एक्टर थी। हम लोग दिल्ली में एक साथ थिएटर किया करते थे। बहुत मजा आता था, बहुत ही एनर्जी थी उसमें। मुझे मालूम था कि वो एक दिन जरूर बड़ा एक्टर बनेगा। सुना है जैसलमेर में शूटिंग कर रहा है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला वो राजपूत बना है। मुझे पूरी आशा है वो तेरी मदद करेगा। शुक्रिया माता। अच्छा सुन, जब तू शाहरुख खान से मिलेगा ना, तो उससे बोलना कि विभा ने हेलो कहा है। किसने? विभा। चले इसे खाओ, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अपना ध्यान रखना, ठीक है? संभल कर जाना। हाँ, दो बच्चे हैं, कोई 8 या 10 साल के। लड़की का तो अच्छा दाम मिलेगा ये, पर ये अंधा लड़का तो लॉटरी लगा देगा। अब से 1 घंटे में लोहावट से जोधपुर के रास्ते में मिलेंगे। अब जल्दी निकलो।